आजादी के अमृत महोत्सव पर 11 अगस्त से 19 अगस्त तक घर घर तिरंगा लहराने का अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए मथुरा की जिला कारागार में भी बंदियों द्वारा तिरंगे झंडे तैयार किए जा रहे हैं। बंदियों में राष्ट्र भावना को जागृत करने के उद्देश्य से तिरंगे बनवाए जा रहे हैं। मथुरा की जिला जेल में बनाए जा रहे तिरंगे के संबंध में जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। जिला जेल में भी तिरंगे बनाए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर इस बार घर घर तिरंगा की एक योजना सरकार लाई है, यानी कि 15 अगस्त पर सभी लोग घर घर तिरंगा लहराएंगे। इसे लेकर मथुरा की जिला जेल में भी तिरंगे बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार की पहल पर कैदियों द्वारा ये तिरंगे जेल में बनाए जा रहे हैं, जो कि तिरंगा घर घर तिरंगा का एक बड़ा मैसेज देंगे। इस वक्त जेल अधीक्षक साहब से हम बात करते हैं। जिस तरीके से आज़ादी का जो हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें घर घर तिरंगा की योजना है और एक पखवाड़ सॉरी ये 7 दिन का हम एक अभियान इसमें चला रहे हैं कि सभी घरों पर सभी लोग अपने तिरंगे लहराएंगे। जिला जेल में भी आपने तिरंगे बनवाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्वतंत्र भारत का जेल है और यहाँ पर जो भी कैदी हैं वो भारतवासी हैं। जेल में बंद होने से उनकी देशभक्ति कम नहीं होती है, ठीक है। इसके दृष्टिगत सभी बंदियों ने जब पेपर में पढ़ा देश हर घर तिरंगा के अंतर्गत, तो उन्होंने भी अपना प्रपोजल रखा और माननीय मंत्री जी की तरफ से भी ये प्रपोजल रखा गया कि क्यों नहीं कारागारों में भी तिरंगा का निर्माण कराया जाए। इसके दृष्टिगत यहाँ पर जो है तिरंगा बनाने के लिए कई बंदी आगे आए और उन्होंने तिरंगा बनाने का काम शुरू कर दिया है। हमारी कारागार में एक NGO के माध्यम से हमें रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया गया है, जिसमें तिरंगा बनने का कार्य स्टार्ट हो गया है और लगभग 200 तिरंगा हम लोगों के बन रहे हैं। और जो ये 11 से लेके और 15 तक जो झंडा हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत हर बैरकों पे और स्टाफ के हर आवास पर जो तिरंगा फहरेगा, वो हमारी जेल से निर्मित हुआ तिरंगा फहरेगा जो बंदियों द्वारा बनाया हुआ होगा। सबसे बड़ा मैसेज है कि आप जेल से तिरंगा डिजाइन करा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मैसेज है कि अगर भले ही कैदी जेल में है, लेकिन राष्ट्रभक्ति कभी कम नहीं होती है। जिला जेल के अधीक्षक का एक बड़ा प्रयास है कि जेल में कैदियों को, यानी कि उनको एक तरीके से कहा जाए कि सुधार की ओर बढ़ाना, यानी कि जो क्रिएशंस हैं, यानी कि त्योहारों पर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से बाज़ारों में चीज़ें बनती हैं, वो जेल में उन चीज़ों को विशेष जो ओकेजन होते हैं उन्हें डिज़ाइन कराया जा रहा है। और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे घर घर तिरंगा को लेकर? पर्यावरण, मैं इसमें भी मैसेज देना चाहूँगा कि पर्यावरण के दृष्टिगत प्लास्टिक के तिरंगे पूरी तरीके से बैन हो गए हैं, प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन हो गया है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल कपड़े का प्रयोग किया है जो जल्दी वॉशेबल हो, जल्दी धुल जाए और फहरता रहे, और वो एक मानक के अनुरूप जो शासन द्वारा निर्देश दिया गया है, उसी मानक के अनुरूप इस झंडे को बनाया जा रहा है और ये जो है हर स्टाफ को उपलब्ध कराया जाएगा और साथ में उनको निर्देश भी दिया जाएगा कि इसका कहीं पर अपमान ना हो। धन्यवाद। आपने देखा इस तरीके मैं साथ रहे जिला जेल के जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार साहब, जो कि घर घर तिरंगा जो कि सरकार इस बार 11 अगस्त से और 19 अगस्त तक, यानी कि एक सप्ताह के दौरान घर घर तिरंगे लहराने का जो अभियान है, उसमें जिला जेल में भी तिरंगे बनाए जा रहे हैं। विशेष रूप से ख्याल रखा गया है कि कपड़े के बनाए जा रहे हैं, चूँकि प्लास्टिक पूरी तरह बैन कर दी गई है। तो जेल से भी एक बड़ा संदेश है कि राष्ट्रभक्ति के प्रति हमें सभी को समर्पित रहना चाहिए। और 15 अगस्त पर, क्योंकि हम लोग 75वीं जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके मद्देनज़र हम सभी को अपने घर पर तिरंगे लहराने चाहिए। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। देश भर में विश्वसनीय जांचों के लिए मशहूर रेडियोलॉजिस्ट सेंटर मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज आधुनिक मशीन के साथ मथुरा में विगत कई वर्षों से उपलब्ध, जहां GE की 1.5 टेक्सला MRI मशीन, 3 टेक्सला प्लेटफॉर्म के साथ एवं 32 स्लाइड हाई एंड सिटी स्कैन की सुविधा, साथ ही 500 MA डिजिटल एक्सरे और सभी प्रकार की एंजियोग्राफी की सुविधा है। आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विश्वस्तरीय जांच होती है। डॉक्टरों की पहली पसंद बन रहा मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारा संकल्प है कि मथुरा के लोगों को बेहतर जांच की सुविधा मिले। मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मीनाक्षी इमेजिंग सेंटर, राधिका बिहार, नियर मोती मंजिल हाईवे, मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।